नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो इस वीडियो हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। तो इन कर्मचारियों को जो है 30 लाख रुपए मिलेंगे। तो किस तरीके से जो है इनको पैसे मिलेंगे और कौन से कर्मचारियों को मिलेंगे, तो पूरी जानकारी जो है आपके साथ साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को। तो हिमाचल पुलिस कर्मियों के लिए सैलरी पैकेज मृत्यु पर मिलेंगे 30 लाख रुपये। हिमाचल प्रदेश में 3 साल पहले पुलिस कर्मियों के लिए सैलरी पैकेज की शुरुआत की गई थी, लेकिन अधिकांश पुलिस कर्मी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे थे। सैलरी पैकेज में बैंक खाता ट्रांसफर करने पर दुर्घटना में मृत्यु पर पुलिस कर्मी के परिजनों को 30 लाख रुपए की राशि बीमा के रूप में मिलती है। वहीं हाल ही में ऊना जिला के गगरेट में 3 पुलिस कर्मियों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। इनमें एक पुलिसकर्मी का ही बैंक अकाउंट सैलरी पैकेज से जुड़ा है, जबकि अन्य 2 मृतक पुलिसकर्मियों ने ये सुविधा नहीं ली थी। ऐसे में उनके परिजनों को 30 लाख की वित्तीय सहायता से वंचित होना पड़ा था। इस हादसे के बाद हिमाचल पुलिस ने पुलिसकर्मियों से सैलरी पैकेज की सुविधा उठाने की भावुक अपील की है। वहीं पुलिस अधीक्षक वेलफेयर विनोद कुमार ने पुलिस कर्मियों से आग्रह किया कि वे SBI, HDFC और एक्सिस बैंक में से किसी एक बैंक की शाखा में जाकर अपने खाते को पुलिस सैलरी पैकेज में कन्वर्ट करवाएं। इससे पुलिस कर्मी पैकेज से जुड़ जाएंगे। बाद में बैंक रैंक के अनुसार बैंक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम कार्ड इशू करेगा। तो यही थी अपडेट कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए सैलरी पैकेज दिया जाएगा, जिसमें जो है मृत्यु पर कर्मचारियों को 30 लाख रुपए की जो सुविधा ये आसानी से मिल पाएगी। तो यही थी अपडेट। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।